YouTube चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ऋतु। चलिए, यह आपकी जो क्लास है UGC नेट की हम तैयारी करें। सब्जेक्ट आपका लाइब्रेरी साइंस आपका है। आज जो हम पेपर करेंगे ये आपका पेपर 2 है, जो आपका जून में 2019 में आपका पेपर हुआ है। तो अब जो हमने 2011 से लेकर 22 तक आपको पेपर करने हैं, तो 11 से लेके 2011 से हम पेपर कर रहे हैं, तो 22 तक आपको पेपर करने हैं। तो जून के 2019 के पेपर पर हम आ चुके हैं। अगर आपको ओल्ड पेपर आपको चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा बुक का, जिसमें आपको 11 से 22 तक सभी पेपर मिलेंगे 100 रुपये में। तो 100 रुपये में आपको पेपर मिल रहे हैं ओल्ड पेपर। ओल्ड पेपर को आपको पता है कितना बेनिफिट आपके लिए रहता है। अगर आपको परचेज़ करने हैं तो आप परचेज़ कर सकते हो और अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम आपके पास बचता है। और अगर आपको वीडियो देखनी है पेपर की तो वो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सभी पेपर की जो अब तक आपके पेपर हो चुके हैं। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका ए, नंबर इन DDC विदाउट मीनिंग इन इटसेल्फ बट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एग्जांपल ऑफ द टॉपिक इज नोन एज। ऑप्शन ए क्लास नंबर, ऑप्शन बी बुक नंबर, ऑप्शन सी हुक नंबर, ऑप्शन डी कलेक्शन नंबर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी हुक नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो एस्टैब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग आपको इन्हें अरेंज करना है। ए इनिस, बी एग्रीज, सी मेडलर्स। नेक्स्ट आपका दिया गया डी आपका है इंस्पेक्ट। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बी ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। डी सी ए बी आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन डेटा ट्रांसफर प्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मल्टीपल ब्रिज बिटवीन डिफरेंट पार्ट। ऑप्शन ए फायरवॉल्स, ऑप्शन बी स्विचिंग पैकेट, ऑप्शन सी हब, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी हब्स आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द रिजेक्शन ऑफ अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज नोन एज। ऑप्शन ए हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी टाइप फर्स्ट एरर, ऑप्शन डी टाइप सेकंड एरर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी टाइप फर्स्ट एरर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। ऑप्शन ए स्टेम नीड, ऑप्शन बी बेसिक नीड, ऑप्शन सी सिक्योरिटी नीड, ऑप्शन डी साइको फिजिकल नीड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी राइट है, साइको फिजिकल नीड। चलिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका है मैच करना है, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। चलिए, इसमें लिस्ट मैच करना है आपका लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। चलिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल आपका होगा ये आपका चेंज वेरिएबल होगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल आउटकम इफेक्ट वेरिएबल है। और एक्सटेनियस वेरिएबल क्या होगा आपका, एक्सटेनियस वेरिएबल आपका अफेक्टिंग कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या आपका कन्फाउंडिंग वेरिएबल आपका हो गया। तो सीक्वेंस क्या बनता है आपका, सीक्वेंस इसका बनता है आपका, इसका जो सीक्वेंस बना हुआ आपका है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और थर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 आपका दिया गया असर्शन है आपका, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज नॉट अ कंप्रेहेंसिव सोर्स ऑफ इंडियन पब्लिकेशन, रीजन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता इज इंटाइटल्ड टू रिसीव 1 कॉपी ऑफ ईच इंडियन पब्लिकेशन अंडर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ द अबव 2 स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें आपका ऑप्शन, इसमें कौन कौन सी आपकी सही है, तो असर्शन क्या होगा आपका फॉल्स है, लेकिन जो रीज़न है वो क्या होगा ट्रू आपका है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी राइट है, असर्शन आपका फॉल्स है लेकिन रीज़न आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपको दिया गया है, इसमें आपको मिलान करना है, क्या करना है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। तो ईयर बुक्स आपका है इंफॉर्मेशन और डिवाइस और एडवाइस अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फिर आपका है डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी क्या होगा आपका, डायरेक्टरी आपका होता है ए लिस्ट ऑफ फैक्ट दैट कंटेन्स एंड अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। एलमैनक यानी पंचांग क्या होगा, तो पंचांग आपका है एनुअल पब्लिकेशन लिस्टिंग अ सेट ऑफ इवेंट फोर्थ कमिंग इन नेक्स्ट ईयर। लास्ट आपका बचता है डी हैंडबुक। हैंडबुक आपका है इंफॉर्मेशन और एडवाइस अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन है डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अरेंज द फॉलोइंग सोशल नेटवर्किंग टूल अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी लिंक्डइन, ऑप्शन डी पिंटरेस्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी लिंक्डइन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग। ए PHP माई लाइब्रेरी, बी ABCD, सी कोहा, डी न्यू जेनलिब। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है CADB। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। द ईजीएस्ट वे टू ब्रिंग इंटरनेट वीडियो टू वंस डेस्कटॉप टू और डाउनलोड इज नोन एज। ऑप्शन ए लॉगिंग, ऑप्शन बी पॉडकास्टिंग, ऑप्शन सी वॉडिजिंग, ऑप्शन डी ब्लॉगिंग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी वॉडकास्टिंग आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल एक्सप्लेन द एक्टिविटीज विद स्टार्टिंग, चैनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग एटसेट्रा। ऑप्शन ए विल्सन नेस्टेड मॉडल, ऑप्शन बी एलिस मॉडल, ऑप्शन सी डार्विन्स मॉडल, ऑप्शन डी कोलथाउ मॉडल। तो राइट आंसर क्या आपका एलिस मॉडल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एनी एक्ट बाय अ कंजर्वेटर दैट इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द कंजर्वेटर एंड द कल्चरल मटेरियल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए आर्चिव कंजर्वेशन, ऑप्शन बी इंस्ट्रूमेंटिव कंजर्वेशन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर 3 प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, ऑप्शन डी इंटरवेंटिव कंजर्वेशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी प्रिवेंटिव कंजर्वेशन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन हैव कनेक्टेड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी असम। तो इसका राइट आंसर क्या आपका मिजोरम और मणिपुर आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द बिट नंबर एज डिफाइंड इन IP एड्रेस इन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इज। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 32। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका 16 क्वेश्चन है इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरी इज अ पब्लिकेशन ऑफ। ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी IFLA, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी OCLC। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी IFLA आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 17 क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन काउंटरिंग IE इनटू द इंफॉर्मेशन बिहेवियर लिटरेचर इन 1997। ऑप्शन ए S फ्रेडलिज, ऑप्शन बी P वकैरी, ऑप्शन सी R सेवोलिन, ऑप्शन डी B डार्विन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 18। Who is the author of the book entitled The Third Wave? Option A Daniel Bell, option B Alvin Toffler, option C W.R. Ashby, option D रॉबर्ट टी क्रेग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी एल्विन टोफलर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 19 क्वेश्चन है, द फंक्शन कैरिड आउट बाय फायरवॉल इज टू। ऑप्शन ए फिल्टर्ड द आईपी पैकेट, ऑप्शन बी ओपन पार्ट्स टू ऑल आईपी, ऑप्शन सी इनेबल यूजर प्राइवेसी, ऑप्शन डी इनेबल एनोनिमस सर्फिंग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है, फिल्टर द आईपी पैकेट्स। नेक्स्ट आपका 20 क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग coined the term Li-Fi? Option A F.W. Lancaster, option B Tim O'Reilly, option C Harold Hayes, option D Mary Parker Follett। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी हेरोल्ड हैज आपका राइट है। नेक्स्ट आपका 21 क्वेश्चन है, I-10 इंडेक्स वाज क्रिएटेड बाय। ऑप्शन ए सिकामो जर्नल एंड कंट्री रैंक, ऑप्शन बी वेब ऑफ साइंस, ऑप्शन सी स्कोपस, ऑप्शन डी गूगल स्कॉलर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी गूगल स्कॉलर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 22, मैच करना आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का इसमें मिलान आपको करना है। तो मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो लिस्ट फर्स्ट आपकी क्लास ऑफ आईपी है, लिस्ट सेकंड आपकी सपोर्टिंग कवरेज है। तो क्लास ए आईपी क्या होगी आपकी, ये आपके सपोर्ट लार्ज नेटवर्क। क्लास बी आईपी, क्लास बी आईपी आपकी सपोर्ट मीडियम साइज नेटवर्क। फिर आपका है सी, क्लास सी आईपी ये आपका है सपोर्ट स्मॉल नेटवर्क विद फीवर देन 256 डिवाइस। डी आपका बचता है क्लास डीआईपी। तो क्लास जो डीआईपी है वो क्या होगी आपकी, ये आपका रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्ट ग्रुप्स। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो क्या बना आपका, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में आपको मिलता है, ऑप्शन डी ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23, हैज इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए सैज, ऑप्शन बी आइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ऑप्शन सी पैज, ऑप्शन डी नाश। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 24, असर्शन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज यूज्ड एज अ प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल। रीजन इन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक द researcher influences the subject of the study to get primary data. In the context of the above two statement, which one of the following is true? Option A is true but R is false, option B A is false but R is true, option C both A and R are false, option D both A and R are true। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर A आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द सर्च इंजन इज मर्ज्ड विद साइंस डायरेक्ट। ऑप्शन ए साइट सैरेक्स, ऑप्शन बी एल्टा विस्टा, ऑप्शन सी डॉग पाइल, ऑप्शन डी स्कीरस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी स्कीरस आपका राइट है। नेक्स्ट आपका 26, इन विच ईयर वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड। ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1971। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए 1960 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27, आइडेंटिफाई द पर्सन नॉट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ यूडीसी। ए एस आर रंगनाथन, बी पॉल ओटलेट, सी एच ई ब्लिज, डी हेनरी लाफोंटेन। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन कौन सा आपका सही है, एस आर रंगनाथन आपका करेक्ट होगा और एच ई ब्लिज। तो ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट आपका 28 क्वेश्चन, इन द फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ एक्सटेंशन एंड इंक्रीज ऑफ इंटेंशन ऑफ अ बेसिक सब्जेक्ट इज नोन एज। ऑप्शन ए लैमिनेशन, ऑप्शन बी डेनुडेशन, ऑप्शन सी डिसेक्शन, ऑप्शन डी लूज असेंबलेज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी डेनुडेशन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 29, विच ISBN एलिमेंट आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर पब्लिशर और इम्प्रिंट। ऑप्शन ए रजिस्ट्रेंट एलिमेंट, ऑप्शन बी पब्लिकेशन एलिमेंट। नेक्स्ट आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, ऑप्शन डी चेक डिजिट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, पब्लिकेशन एलिमेंट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चलिए इसमें दिया गया आपका मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ मिलान करना है। तो रिप्रेटर्स, रिप्रेटर्स क्या है आपका? हेल्प इन स्ट्रेंथ इन द सिग्नल, गेटवे आपका है अलाउस, डिसिमिलेट नेटवर्क, फिर आपका है राउटर, राउटर आपका अलाउ सिमिलर नेटवर्क टू कम्युनिकेट, स्विचेज आपका हो गया अलाउ डाटा टू बी ट्रांसफर्ड विद इन द नेटवर्क, सिक्वेंस आपका बनता है थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड आपका सिक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 30 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 जुटेरा इज़ा। तो जुटेरा है क्या? ऑप्शन ए लाइब्रेरी मैनेजमेंटल टूल, ऑप्शन बी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टूल, ऑप्शन सी सीरियल मैनेजमेंट टूल, ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 A design that seeks to control condition within which pressures are observed and analyzed is known as, option A experimental design, option B exploratory design, option C survey design, option D case study design। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। तो मिलान इसमें करना है तो वेब पोर्टल, वेब पोर्टल क्या आपका? पर्सनल लॉगिन एंड सिंगल एक्सेस पॉइंट, फिर आपका है वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या हो गया आपका? चलिए वेबसाइट देखते हैं। वेबसाइट आपका है नो लॉगिन रिक्वायर्ड पोर्टल। सी आपका है वर्टिकल वेब, या आपका है फोकस ऑन अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन और बिजनेस फंक्शन इनेबलिंग यूजर टू सी एडिट एंड कंट्रीब्यूट पोर्टल। हॉरिजॉन्टल वेब क्या होगा आपका? हॉरिजॉन्टल वेब आपका इनेबल्स यूजर टू सी एग्रीगेट, ये आपका हो गया। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ और सेकंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 बुक ऑर्डर विजिलेंस पैड बी ओ वी पी वाज सजेस्टेड बाय, ऑप्शन ओ आपका है, ए क्या है आपका? पॉल ओटलेट, बी माइकल गोरमैन। नेक्स्ट आपका दिया गया सी आपका हेनरी फेओल और डी मेलविल डेवी। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी माइकल गोरमैन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 35 क्वेश्चन है हु हैज डेवलप्ड बिपैक्सल, ऑप्शन ए ओली पर्सन, ऑप्शन बी क्रिस आर्गिट्स, ऑप्शन सी व्रूम, ऑप्शन डी फ्रेडरिक हर्जबर्ग। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए ओली पर्सन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया है। इसमें पूछा गया आपका क्वेश्चन में मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो लिस्ट फर्स्ट आपका अवार्ड है और लिस्ट सेकंड आपकी लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया आपका है। तो ये आपका बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड, तो ये क्या आपका आइसलिक है, SM गांगुली अवार्ड आपका ILA है, एस पी नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड ITLS और यंग साइंटिस्ट आपका है SIS। तो इसका सीक्वेंस क्या बना? सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन 37 है विच आर द डिस्प्ले एलिमेंट ऑफ प्रेसिज, ए क्वालिफायर, बी कॉल नंबर, सी डिस्प्ले, डी लीड। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? क्वालिफायर आपका सही होगा, डिस्प्ले आपका सही है और लीड, ये तीनों आपके सही है। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट आंसर है, ACD आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका 38 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेनल्टी इन केस ऑफ प्लेगेरिज्म एट लेवल सेकेंड इन अकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन एज पर यूजीसी प्रमोशन ऑफ अकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगेरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2018। ऑप्शन ए नो पेनल्टी, ऑप्शन बी शैल बी डिनाइड अ राइट टू वन एनुअल इंक्रीमेंट, ऑप्शन सी शैल बी डिनाई ए राइट टू टू सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट, ऑप्शन डी शैल बी डिनाई ए राइट टू थ्री सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियंस। ऑप्शन ए वर्ल्ड कैट, ऑप्शन बी इनफ्लिपनेट, ऑप्शन सी क्वेश्चन पॉइंट, ऑप्शन डी ग्लोबल स्कॉलर। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी क्वेश्चन पॉइंट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आप है आपका क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट डज नॉट हैव द प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेज। ए केरला, बी कर्नाटका, डी सी वेस्ट बंगाल, डी महाराष्ट्र। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन कौन सा आपका इसमें है? तो इसमें वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र आपका सही है, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, असर्शन है आपका ऑल अकेडमिक लाइब्रेरीज प्रोवाइड देयर सर्विसेज ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म, रीजन अकेडमिक कम्युनिटी डिमांड मोर लाइब्रेरी सर्विसेज थ्रू मोबाइल। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबाउट टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें आपका असर्शन तो आपका फॉल्स है, लेकिन रीजन आपका ट्रू होगा। रीजन क्या आपका? ट्रू आपका है। असर्शन आपका फॉल्स है, लेकिन रीजन क्या आपका? ट्रू आपका है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द की साइलेंट फीचर्स ऑफ प्राइवेट लाइब्रेरी फ्रॉम द फॉलोइंग। ए आपका ए लाइब्रेरी गिव्स एक्सेस टू जनरल पब्लिक, बी ए लाइब्रेरी बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल, सी ए लाइब्रेरी नॉट सपोर्टेड बाय टैक्सेशन, डी ए लाइब्रेरी हैविंग स्टैट्यूटरी सपोर्ट। तो इसमें आपका बी और सी आपका क्या होगा? करेक्ट आपका है। चलिए अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। बी सी क्या आपका? करेक्ट है, सही आपका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, ई जनरल आर्टिकल कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ। ऑप्शन ए डिजिटल ओपन आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी जनरल सोर्स आइडेंटिफायर, ऑप्शन सी जनरल आर्टिकल आइडेंटिफायर, ऑप्शन डी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हारवंश और उड़ीसा आपको दिया गया। ये आपका है हरियाणा, ये क्या है आपका? हरियाणा आपका है। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या बनता है? ये आपका बनेगा हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 45 आपका है, अरेंज द फॉलोइंग मेटा सर्च इंजन इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग। ए सेरेक्स, बी स्काई स्कैनर, सी कायाक, डी मेटा क्रोलर। ये आपको दिया गया। तो इसका सीक्वेंस क्या बनता है? पहले आपका मेटा क्रोलर आएगा, देन आपका स्काई स्कैनर आएगा, इसके बाद आपका स्काई स्कैनर के बाद आपका कायाक आएगा, और कायाक के बाद क्या है आपका? यह आपका सेरेक्स आपका आएगा। तो इसका सीक्वेंस क्या आपका? डी बी सी ए, जो आपको ऑप्शन ए में मिलता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन 46 आपका दिया गया है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। मिलान करना आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, तो मिलान इसमें आपको करना है। चलिए लिस्ट फर्स्ट आपकी ई डिपोजिटरी है और लिस्ट सेकंड ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट आपका है। तो पीएमसी आपका है 2000, केबीई रिपोर्ट आपका हो गया 2003, पोर्टिको आपका है 2005 और लोकोज आपका है 1995। तो इसका सीक्वेंस क्या बना आपका? थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट आपका सीक्वेंस है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलता है और ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। अंडर आरआरएलएफ फाइनेंशियल असिस्टेंस मैचिंग स्कीम असिस्टेंस विल बी शेयर्ड ऑन मैचिंग बेसिस बिटवीन आरआरएलएफ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एट द रेशो। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी 19:10 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फाउंडेशन। ए खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना, बी राजा लाइब्रेरी रामपुर, सी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। तो अब इसे अरेंज आपको करना था। चलिए ऑप्शन देखते हैं अब आपके। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, बी ए डी सी आपका सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। डेल्पी मेथड इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए कंजर्वेशन मेथड, ऑप्शन बी फोरकास्टिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन पैनल ऑफ एक्सपर्ट, ऑप्शन सी प्लानिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑप्शन डी मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिब्लियोग्राफिक डेटा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी राइट है, फोरकास्टिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन पैनल ऑफ एक्सपर्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50, क्वेश्चन नंबर 50 आपका है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूगेटिव मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग। ए मटेरियल प्रिंटेड इन लिमिटेड क्वांटिटीज, बी मटेरियल हैविंग परपेचुअल वैल्यू, सी यूजुअली ऑफ इमीडिएट इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन, डी मटेरियल्स नॉट रिलेटेड टू एनी प्रोग्राम ऑफ प्रोसेस्ड पब्लिकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ए और सी आपका राइट होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी बी सी, ऑप्शन डी सी डी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए राइट है, ए सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। आइडेंटिफाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस एंड द एनालिसिस ऑफ को अकरेंस ऑफ डिस्क्रिप्टर असाइंड टू जर्नल आर्टिकल्स। ऑप्शन ए को वर्ड एनालिसिस, ऑप्शन बी वर्ड एनालिसिस, ऑप्शन सी एच इंडेक्स, ऑप्शन डी जी इंडेक्स। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए को वर्ड एनालिसिस आपका राइट है। नेक्स्ट आपका 52। Which of the following component is not included in LAMP? A Linux, B Apache, C MySQL, D Perl। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी Perl आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53। इन्फॉर्मेशन आउटलुक इज अ बाई मंथली ऑनलाइन मैगजीन पब्लिश्ड बाय। ऑप्शन ए इफ्ला। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ALA, ऑप्शन सी SLA, ऑप्शन डी स्लिप। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी SLA, स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन। SLA क्या आपका? स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन आपकी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। असर्शन है आपका स्टूडेंट आर अमंग द मोस्ट प्रोलिफिक यूजर्स ऑफ सोशल नेटवर्क साइट SNS। रीजन सोशल नेटवर्क साइट ऑलवेज हेल्प इन फुलफिलिंग देयर अकेडमिक इंफॉर्मेशन नीड्स। तो इसमें असर्शन आपका ट्रू है लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स सर्चिज सीमलेसली अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ लोकल एंड रिमोट कंटेंट, प्रोवाइड रेलिवेंस रैंक्ड रिजल्ट एंड हैज द एम्बिशियस गोल ऑफ प्रोवाइडिंग अ सिंगल पॉइंट एंट्री इनटू लाइब्रेरीज कलेक्शन। ऑप्शन ए वेब स्केल डिस्कवरी सर्विस, ऑप्शन बी वेब रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन सी यूनियन कैटलॉग, ऑप्शन डी वेब ओपेक। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए वेब स्केल डिस्कवरी साइंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन। ऑप्शन ए पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन बी सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन सी डेटा स्विचिंग, ऑप्शन डी प्रोटोकॉल स्विचिंग। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी सर्किट स्विचिंग आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 57 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो इज एन एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए एएलए, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 58, अकॉर्डिंग टू एसआर रंगनाथन इफ एनी कन्फ्लिक्ट अलाइजेस बिटवीन द कैनन एंड और प्रिंसिपल इट इज रिजॉल्व्ड बाय एन अपील टू, ऑप्शन ए द थ्योरीज, ऑप्शन बी द रूल्स, ऑप्शन सी द फाइव लॉ, ऑप्शन डी द पोस्टुलेट। तो राइट आंसर क्या आपका द फाइव लॉ। क्वेश्चन जो आपका है रंगनाथन ने क्या दिया था, फाइव लॉ, जो आपके फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो आपकी बुक है वो किसने दी थी, एस आर रंगनाथन ने दी थी। इसका जो प्रतिपादन था 1928 में किया गया था, लेकिन ये प्रकाशित कब की गई, 1931 में ये आपकी प्रकाशित की गई थी। सेकंड एडिशन इसका 1957 में आपका आया है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, हु प्रोपोंडेड मिनिमम, मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरी इन रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन ए सी एम विंचेल, ऑप्शन बी जेम्स वायर, ऑप्शन सी सैमुअल रोथेस्टेन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या आपका डी डब्ल्यू लेविस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका सैमुअल रोथेस्टेन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60, द टर्म एपिग्राफ मीन्स, ऑप्शन ए मोटो और ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रीफिक्स्ड टू अ बुक, ऑप्शन बी स्पाइन ऑफ अ बुक, ऑप्शन सी एसेंस ऑफ अ सब्जेक्ट, ऑप्शन डी ए पैम्पलेट, पैम्पलेट क्या होता है आपका पर्चा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए मोटो और ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रीफिक्स्ड टू अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61, एनडीआई इंडिया इज डेवलप्ड एंड मेंशन बाय, ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी आईआईटी चेन्नई, ऑप्शन सी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है आईआईटी खड़गपुर, ये आपका राइट है। नेक्स्ट आपका 62, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रेक्टेंगल ड्रॉन नेक्स्ट टू ईच अदर विदाउट एनी स्पेस बिटवीन दैम, ईच रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगरी और सब कैटेगरी, ऑप्शन ए लाइन डाइग्राम, ऑप्शन बी हिस्टोग्राम, ऑप्शन सी पाई चार्ट, ऑप्शन डी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी हिस्टोग्राम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 63, क्वेश्चन आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ स्कोनल 7 पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, ए गैदर, बी स्कोप, सी प्रिजर्व, डी प्रेजेंट। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन कौन सा, गैदर आपका सही है, स्कोप आपका सही होगा और प्रेजेंट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी एबीडी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ मार्क रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए चेक डिजिट, ऑप्शन बी लीडर, ऑप्शन सी डायरेक्टरी, ऑप्शन डी रिकॉर्ड टर्मिनेटर। तो इसमें कौन कौन सा आपका है, बी सी डी आपका राइट है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 आपका दिया गया है, मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट आपके है फॉर्मेट्स ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, लिस्ट सेकंड आपकी रेलिवेंट नैरेटिव आपका है, रिलीवेंट नैरेटिव आपका होगा। चलिए इसमें आपको दिया गया इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक क्या आपका सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट, बैनर, पे, क्लिक एड, प्रिंट क्या होगा आपका ब्रोचर्स, फ्लायर्स एड, और फेस टू फेस क्या आपका इन पर्सन मीटिंग, पर्सनल डिस्कशन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग आपका टेली मीटिंग, टेक्नोफोब्स, वीडियोग्राफिक मीटिंग। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो आपका है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, लॉ ऑफ पैर्सिमोनी बिलोंग्स टू द, ऑप्शन ए पोस्टुलेट, ऑप्शन बी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, ऑप्शन सी रूल्स, ऑप्शन डी कैनन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 67, According to UDC scheme, average English third edition symbol and table of auxiliaries indicate. Option A, common auxiliaries of language. Option B, common auxiliaries of place. Option C, common auxiliaries of time. Option D, common auxiliaries of point of view. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है राइट, अ कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 68 क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विद एसोसिएटेड विद बिग डाटा इज कंसर्ड विद द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। ऑप्शन ए वॉल्यूम, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी वेराइटी, ऑप्शन डी वेरासिटी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी वेरासिटी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 69, असर्शन है आपका बिग डील इज अ लाइसेंस ऑफ जर्नल दैट कॉस्ट लेस टू द सब्सक्राइबर, रीजन द पैकेज यूजुअली इंक्लूड सम लेस रेलिवेंट टाइटल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबाउट टू स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका राइट आंसर क्या आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हो गए, सत्य आपके हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, ए कस्टमाइज्ड वेबसाइट ऑफन बेस्ड रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन आर्टिकल दैट इमर्सेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वाइड एरे ऑफ सोर्सेज इन अ कंसिस्टेंट एंड यूनिफाइड मैनर इज नोन एज। ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस, ऑप्शन बी ऑनलाइन पोर्टल, ऑप्शन सी वेब पोर्टल, ऑप्शन डी वेबसाइट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी वेब पोर्टल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 71, अरेंज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द सेक्शन ऑफ मेन एंट्री इन CCCED फिफ्थ। ए टाइटल सेक्शन, बी लीडिंग सेक्शन, सी नोट सेक्शन, डी असेशन नंबर। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें आपका लीडिंग सेक्शन होगा, फिर आपका टाइटल सेक्शन है, देन आपका नोट सेक्शन, फिर आपका असेशन सेक्शन, असेशन नंबर आपका इसका सिक्वेंस आपका बनता है BACD। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, इन स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर, इफ यू एज्यूम दैट स्मोकिंग इज अ क्यूज ऑफ कैंसर एंड मैनी फैक्टर अफेक्टिंग द रिलेशनशिप सच एज नंबर ऑफ सिगरेट, द ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ विच स्मोकिंग माइट क्यूज कैंसर। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया है, इन द अबव एग्जाम्पल द ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग इज विच काइंड ऑफ वेरिएबल। ऑप्शन ए इंटरवेइंग वेरिएबल, ऑप्शन बी एक्सटेंडियस वेरिएबल, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन डी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी एक्सटेंडियस वेरिएबल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 आपका दिया गया है, इसमें दिया गया आपका मैच करना आपको लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। तो लिस्ट फर्स्ट आपकी वर्क्स है, लिस्ट सेकंड आपके ऑथर आपको दिए गए हैं। तो जॉर्ज किंग्सली जिप, ये क्या होगा आपका, ये आपका ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट फर्स्ट। सैमुअल क्लेम्ट ब्रैडफोर्ड, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन है। एल्फ्रेड जेम्स लोट का एलिमेंट ऑफ मैथमेटिकेशन है आपका। थियोडर बैट्समैन आपका है द बिगिनिंग ऑफ सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी। सिक्वेंस आपका है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका थर्ड आपका, ये क्या है आपका तीसरा आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेक्निक्स ऑफ रैंकिंग स्केल। ए पेयर्ड कंपैरिजन, बी ओपन एंडेड क्वेश्चन, सी इक्वल अपीयरिंग इंटरवल मेथड, डी रेस्पॉन्स एनालिसिस। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा, ओपन एंडेड, इक्वल अपीयरिंग और रेस्पॉन्स एनालिसिस। BCD आपका करेक्ट है, ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 75, क्वेश्चन नंबर 75 है, इन बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिट 22 इज रिप्रेजेंटेड बाय। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है, डिजिट आपकी चेंज होती है। ऑप्शन ए 10111, ऑप्शन बी 11000, ऑप्शन सी 00111, ऑप्शन डी 10110। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी 10110 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, Which of the following are the standard for encoding records? A. ONIX, B. SGML, C. W3C, D. Mark 21। यह आपको दिया गया, इसमें से कौन कौन सा सही है आपका? ONIX आपका सही होगा, SGML आपका सही है और Mark 21। तो चूज करना आपको करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी राइट होगा, ABD आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 77 आपका दिया गया है, Who among the following have developed the initial version of SPSS? A. Norman Nice, B. C. Hadley Hull, C. Dale H. Bond, D. John Chambers। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन कौन सा आपका सही है? नॉर्मल नाई आपका सही है, सी हल्दाई हल आपका सही होगा और डेल एच बॉन्ड। तो ABC आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 78। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान आपको करना है। तो फोर्सा आपका है एस्ट्रोफिजिक्स, NKRC हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेलनेट आपका मेडिसिनियल साइंस है और सिरा आपका एग्रीकल्चर है। तो इसका सीक्वेंस क्या बना? फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सीक्वेंस होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। तो ये सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में मिलता है आपको? ऑप्शन नंबर सी में मिलता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, अरेंज द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल इन प्रॉपर सीक्वेंस। ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ वर्क, ऑप्शन बी यूनिटी ऑफ कमांड, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी डिसिप्लिन, डी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें से आपका राइट क्या होगा? आपका ADCB आपका सीक्वेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 80, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन ए जूडी स्मिथ, ऑप्शन बी एरिक डेजनहल, ऑप्शन सी पीटर ड्रकर, ऑप्शन डी एवरेट रोगर्स। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी एवरेट रोगर्स आपका राइट आंसर है। चलिए अब आपका मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट के साथ लिस्ट सेकंड का क्या करना है आपको? मिलान आपको करना है। चलिए इसका मिलान आपको करना है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होगा आपका? कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपका है रिलेशनशिप बिटवीन द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट। चलिए इसमें दिया गया था मिलान में कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपका रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन अचीविंग द लेवल। नेक्स्ट अब आपका है बी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यह आपका हो गया रिलेशनशिप बिटवीन द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट। तो कॉस्ट एनालिसिस क्या आपका? कॉस्ट एनालिसिस आपका है सर्विस रेंडर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका है डी यूनिट कॉस्ट, डी क्या आपका? यूनिट कॉस्ट आपका दिया गया है। तो यूनिट कॉस्ट क्या होगा? यह आपका है डिटरमाइनिंग बाय डिवाइडिंग द एलोटेड कॉस्ट ऑफ सब सिस्टम बाय इट्स एक्चुअल नंबर्स ऑफ ऑपरेशन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है आपका क्या बना? फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन है क्या आपका? राइट आंसर होगा चौथा तीसरा पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, चूज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी AR सिस्टम इन लाइब्रेरी सेटिंग एज आइडेंटिफाइड बाय सैरो मारिया एस आरपोजो बर्टेन एंड जोनेथन एफ संटोज इन देयर स्टडीज। ए combines real and virtual, B non-reciprocative and non-interactive application, C registered 3D, D interactive टाइम। ये आपको दिया गया, तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? ए आपका सही है, सी आपका सही है और डी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर है, ए सी डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ बिग 6 मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एडवोकेट बाय कैरी ए लोवियो एंड माइकल बी एशनबर्ग। तो ए आपका है टास्क डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटजी, लोकेशन एंड एड्रेस, बी सर्वे फीडबैक एंड कोमिलेंस, सी यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिंथेसिस इवैल्यूएशन, डी एनालाइजिंग प्रायोरिटाइजिंग रिपोर्टिंग। तो इसमें आपका ए और सी आपका करेक्ट होगा। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ए सी मिलता है। ऑप्शन नंबर सी में आपको ए सी मिलता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84। विच काउंसिल हैज डेवलप्ड लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन लीड रेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ऑप्शन सी कैनेडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ऑप्शन डी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है, यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। द प्रोटोकॉल यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल्स इज नोन एज, ऑप्शन ए पोप, ऑप्शन बी PGP, ऑप्शन सी SNMP, ऑप्शन डी TCP। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी PGP आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 86। असर्शन है आपका ई ग्रंथालय इज अ फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर। रीज़न है ई ग्रंथालय कैन बी कस्टमाइज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें से कौन कौन से आपकी सही है? असर्शन तो आपका ट्रू होगा, लेकिन रीज़न क्या आपका फॉल्स आपका होगा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। विच सॉफ्टवेयर इज यूज बाय इनफील्ड नेट एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन इनफील्ड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑथराइज यूजर्स टू एक्सेस द रिसोर्सेज। ऑप्शन ए कोहा, ऑप्शन बी PHP माई लाइब्रेरी, ऑप्शन सी सिप बोलियत, ऑप्शन डी न्यूज एंड लिब। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी सिप बोलियत आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। लॉक्स हैज बीन इनिशिएटेड बाय, ऑप्शन ए MIT लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ वैकेटो, ऑप्शन डी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन 89। Which of the following are non-probability sampling techniques? A purposive, B convenient, C snowball, D simple random आपको दिया गया है। तो choose the correct answer from the option given below। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही आपका है? purposive आपका सही है, convenience आपका सही है और snowball आपका सही होगा। तो right answer क्या आपका option D ABC आपका correct है। Next आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। Identify the component of WAMP given below। A Adobe, B Web, C MySQL, D Perl। यहाँ ऑप्शन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? MySQL और Perl आपका सही होगा। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी CD आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91। The subject domain in which Robert Lucas has acclaimed recognition is, option A chemistry, option B nuclear physics, option C economics, option D agriculture। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इकोनॉमिक्स आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 91 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका दिया गया रीड द पैसेज। पैसेज आपको पढ़ना है गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। तो पैसेज को समझ कर आपको पैसेज आपको सही से पढ़ना है, ध्यान से आपको पैसेज पढ़ना है, उसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे और उनके आंसर आपको देने। अगर आपने पैसेज ध्यान से पढ़ लिया तो क्वेश्चन का आंसर भी आप इजीली दे पाओगे। चलिए अब आपका पैसेज स्टार्ट होता है। पैसेज आपका है व्हेन यू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड यू सी ट्रेमेंडस वेरिएशन इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द एवरेज इनकम इन रिच कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड स्टेट जापान और जर्मनी इज मोर देन 10 टाइम्स द एवरेज इनकम इन अ पुअर कंट्री सच एज इंडिया इंडोनेशिया और नाइजीरिया। दीज लार्ज डिफरेंसेज इन इनकम आर रिफ्लेक्टेड इन लार्ज डिफरेंसेज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। पीपल इन रिचर कंट्रीज हैव better nutrition, safer housing, better health care and longer life expectancy as well as more automobiles, more telephones and more television. Even within a country there are large changes in the standard of living over time. In the United States over the past century average income as measured by real GDP gross domestic product per person has grown by about 2% per year. Although 2% might seem small, this rate of growth implies that average income doubles every 35 years. Because of this growth, most Americans enjoy much greater economic prosperity than did their parents, grandparents, and great grandparents. Growth rates were vary substantially from country to country. In recent history, some East Asian countries such as Singapore, South Korea and Taiwan have experienced economic growth of about 7% per year. At this rate, average income doubles every 10 over the past 2 decades. China has enjoyed an even higher rate of growth, about 12% per year. According to some estimate, a country experiencing such rapid growth can in one generation go from being among the poorest in the world to being among the richest. By contrast, in some nation in sub-Saharan Africa, average income has been stagnant for many years. Zimbabwe has had one of the worst growth experiences from 1991 to 2011. Income per person fell by a total of 38%. Why explains these diverse experiences? How can rich countries maintain their high standard of living? What policies should poor countries pursue to promote more rapid growth and join the developed world? These are among the most important questions macroeconomics, as the Nobel Prize winning economist Robert Lucas put it. The consequences for human welfare in questions like these are simply staggering. Once one starts to think about them, it is hard to think about anything else. तो क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 92। इन यूएसए एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन ए एवरेज जीडीपी, ऑप्शन बी रियल जीडीपी, ऑप्शन सी जीएनपी, ऑप्शन डी डायरेक्ट टैक्स इंडेक्स। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी रियल जीडीपी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93। द कंट्री विच इंजॉय अ हायर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ 12% पर ईयर अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट इज। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी चाइना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी चाइना आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 94। द रीज़न एज टू वाई अमेरिकन एंजॉय मच ग्रेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी दैन डिड देयर पेरेंट्स इज। ऑप्शन ए ग्रोथ इन एवरेज इनकम, ऑप्शन बी बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, ऑप्शन सी ग्रोथ इन गवर्नमेंट जॉब, ऑप्शन डी ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड इट्स इफेक्टिव रिफॉर्म। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए राइट है ग्रोथ इन एवरेज इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95। The country which had experienced most growth from 1991 to 2011 as income per person fell by a total of 38% during the above period is. Option A Brazil, option B Zimbabwe, option C China, option D USA. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी जिम्बाब्वे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 96 क्वेश्चन। हु कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन सैमफोर टेलीग्राफ। ऑप्शन ए मैक्रोपोलो, ऑप्शन बी सैनन, ऑप्शन सी चापे। ऑप्शन डी विलियम फ्रांसिस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी चोरे चापे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 97, क्वेश्चन नंबर 97 आपका दिया गया है हेलीग्राफ। हेलीग्राफी इज द फर्स्ट यूज्ड इन, ऑप्शन ए एशियंट ग्रीस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है एशियंट ग्रीस आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन 98 है व्हाट इज ए हेलियोग्राफी। ऑप्शन ए यूजिंग सिग्नल मिरर टू रिफ्लेक्ट सनलाइट, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन विद अ मैसेंजर ऑन फुट और ऑन हॉर्सबैक, ऑप्शन सी सीमा फॉर टेलीग्राफ, ऑप्शन डी मैटी टाइम कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए राइट है यूजिंग सिग्नल मिरर टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। नेक्स्ट है आपका 99 क्वेश्चन व्हाट इज रिप्लेस्ड बाय एम्पलीफायर एंड एंटीनाज इन द प्रेजेंट सिनेरियो। ऑप्शन ए रीजनरेटिव रिपीटर्स, ऑप्शन बी टेलीग्राफ, ऑप्शन सी स्मोक सिग्नल, ऑप्शन डी लेंसेज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी लेंसेज आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 100 व्हाट लेड द यूज ऑफ फायर एंड स्मोक सिग्नल। ऑप्शन ए लार्ज मैसेज ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एन एम्ब्रिज मैसेज टू वार फाइटर्स, ऑप्शन सी शॉर्ट मैसेज ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, ऑप्शन डी बोथ शॉर्ट एंड लार्ज मैसेज ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी राइट है शॉर्ट मैसेज ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगर आपको बुक परचेज करनी है, बुक आपको चाहिए ओल्ड पेपर वाली, तो आपको लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।